का मचाना तो कोई पवन सिंह से सीखे। जी हाँ, राजस्थानी घाघरा आ चुका है और राजस्थानी घाघरा ने आते ही बवाल मचा दिया है। वैसे आपको व्यूज़ कई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जिस हिसाब से व्यूज़ बढ़ रहे हैं, उन्हें देखकर लग रहा है कि पवन सिंह का ये गाना 7 से 8 घंटे में 1 मिलियन क्रॉस हो जाएगा। लेकिन अब हम आपको एक और बहुत बड़ी बात बताने वाले हैं। आप लोगों में से बहुतों को ये लगता है कि हम हमेशा पवन की तारीफ़ करते हैं, तो हम आपको बता दें, हम पवन की नहीं, पवन की कला की तारीफ़ करते हैं और पवन जिस तरह से उनकी आवाज़ के लोग दीवाने हैं उसकी तारीफ़ करते हैं। वैसे हम आपको बता दें कि आज हम किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं, तो वो मुद्दा है वंदे मातरम गाना, जो कि 15 अगस्त के उपलक्ष्य में मैनकाइंड फार्मा द्वारा रिलीज़ किया गया पवन सिंह की आवाज़ में। यही गाना 1 महीने पहले हिंदी, बंगाली और मराठी में इसे कैलाश खेर ने गाया। कैलाश खेर किसी परिचय का मोहताज नहीं है, बॉलीवुड में उनके गानों का दीवाना हर कोई है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस गाने को रिलीज़ हुए 1 महीना हो गया और इस गाने का व्यूज़ है 1.2 मिलियन। ठीक वहीं दूसरी तरफ शंकर महादेवन ने इसे मलयालम और कन्नड़ में गाया और इसका व्यूज़ है 20 से 30 हज़ार। और पंजाबी में जब दलेर मेहंदी ने गाया तो 2.1 मिलियन, वो भी 1 महीने के अंदर। लेकिन जब इसे पवन सिंह ने गाया तो इस गाने का व्यूज़ हुआ 2.2 मिलियन महज 3 दिन में। जी हाँ, आपने सही सुना, 3 दिन में। आपको अगर हमारी बातों पर यकीन नहीं है तो आप गूगल कर लीजिए या फिर यूट्यूब पर जाकर इन सारे वीडियोस के व्यूज़ देख लीजिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने बड़े बड़े महारथी ये गाना गाते हैं, कई रीजनल भाषाओं में गाते हैं, लेकिन उन्हें उतना व्यूज़ नहीं आता जितना पवन सिंह इसे भोजपुरी में गाते हैं। मैनकाइंड फार्मा बहुत बड़ी फार्मा कंपनी है और उसे पता है कि यहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार की जनता कहाँ कहाँ नहीं बसी हुई है। अपने फेवरेट सिंगर की आवाज़ में कौन गाना नहीं सुनना चाहता। साथ ही आपको एक और बात बता दें, वंदे मातरम जो पवन सिंह ने गाया है गाना, उसे यूपी बिहार से ज़्यादा और भी कई जगह सुना गया है। उसे भारत के अलावा कुवैत हो या फिर मॉरिशस हो या दुबई हो या अरब की कोई भी कंट्री हो, वहाँ ये गाना बहुत सुना गया है, क्योंकि वहाँ भारी मात्रा में उत्तर भारतीय बसे हुए हैं। वैसे पवन सिंह का गाना जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, ऐसा लग रहा है ये कई और रिकॉर्ड भी तोड़ेगा। खैर, फिर से आते हैं राजस्थानी घाघरा की तरफ। तो आपको बता दें कि पवन के चाहने वालों को इस गाने का बेताबी से इंतज़ार था। जैसे ही इस गाने का पोस्टर आया, जैसे कि हमने आपको बताया था कि 16 तारीख की शाम को इस गाने का पोस्टर आ जाएगा, तो देर शाम ही इसका पोस्टर आया और वैसे ही पवन के फैंस में खलबली मच गई और रात में ही अनाउंस हो गया कि ये गाना सुबह आदि शक्ति के यूट्यूब के बैनर तले रिलीज़ कर दिया जाएगा और रिलीज़ कर भी दिया गया। गाना अभी तक अच्छा जा रहा है और ऐसे ही जाता रहा तो जल्द ही 1 मिलियन व्यूज़ क्रॉस भी कर जाएगा और गाने का वीडियो भी बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि इसकी शूटिंग हो चुकी है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।